कबीर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या है ये? क्या है ये? ये कोई तरीका होता है रूम रखने का कबीर? ये मैं तुझसे कहूँ तो? हाँ, तूने किया ये? मैंने? तू पागल है क्या? मैं क्यों करूंगी ये? तो मैं क्यों करूंगा? तुझे आते नहीं रूम रखने? निशा यार प्लीज, लड़का मैं समझी ना। ओ तेरी, ये क्या कर दिया? अब तो गया बेटा सोमित, यहाँ से तो भाग भी नहीं सकता। ये बुक्स यहाँ पर है, वो कबर्ड खुला हुआ, ये पेपर्स यहाँ पे, पर ये चाबी। तो फिर ये चाबी हमें क्या करनी? बेटा मेरी चाबी मेरे पास है, ये तेरी चाबी है। कबीर ये चाबी मेरी नहीं है, हमारी चाबी है, ठीक है? ये ड्रॉअर की चाबी है यार। शाप मेरा सर चकरा है, मुझे गुस्सा मत दिला समझी। मैंने ये चाबी आप ही नहीं फेंकी। तूने नहीं फेंकी? तू क्या कोई भूत आ रहा है यहाँ पे? तुझे ऐसा क्यों लगती है गलती मेरी है निशा? हमेशा गलती हमेशा तेरी। अच्छा ठीक है, गलती मेरी है। ओके ओके, मेरी गलती, ठीक है। देख बहुत थका हूँ, मुझे चोट भी लगी है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर, तुझसे बहस नहीं करनी। ओके गलती मेरी है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। निशा प्लीज कर रहा हूं मैं सफाई, प्लीज मुझे बहस नहीं कर। मैं तेरी हेल्प कर देती अच्छा एक बाहर सोता है तो एक अंदर, अब देखना मैं कैसे इन दोनों की शादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगा। अब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा कबीर। कबीर ये सामान तूने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये सब किया किसने? हमारे पीछे कोई आया था। क्या फर्क पड़ता है, कोई आया होगा तो खाली आती जाएगा ना, हमारे पास है क्या? उन्नू यार सुबह से मेल आया हुआ है लंदन स्कूल ऑफ डांस से, कह रहे कि मेरे एडमिशन फॉर्म से कुछ डिटेल्स मिसिंग है, फिल करने के लिए वापस जाना होगा। कल जा ही रहा ना, तो हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा? हाँ हो तो जाएगा, लेकिन यार निशा जब भी इसके बारे में बात होती है ना तो
मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। अरे तू बाहर कहां सोएगी निशा, यही सो जा, मैनेज कर लेंगे। ए निशा बोला ना, मैनेज कर लेंगे, आ जा प्लीज यार। परेशानी बेटा बता दे माने, नहीं तो रात ने भी नहीं सोएगी। माँ जी मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई बंटी की उम्र के बच्चे को इस तरह की सलाह कैसे दे सकता है। बचपना था देखो बेटा, हमने नेसू और कबीर की शादी कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े हो गए, बच्चे हैं अभी तो, जिंदगी की शुरुआत की है। कबीर अभी कच्ची माटी है, कहीं पे सूख गया है, कहीं सूखना बाकी है। है वो बहुत बड़ा लड़का, अगर ना होता तुम्हारी नीसू कभी उसके साथ खुश रह पाती। माँ जी ये बात भी तो समझ में नहीं आ रही है, नीशू जो शादी की बात से इतना घबराती थी, डरती थी, कैसे इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई? ना कोई शिकायत, ना कोई आवाज। मुझे मुझे ऐसा डर लग रहा है कि जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे। देख बेटा, किसी भी पति पत्नी के बीच ये चलता है ये नहीं चलता ये कोई नहीं जानता, पर आजकल के बच्चों में लिहाज नहीं। यहाँ खटपट हुई वहां अलहदा हो गए, ना परिवार की चिंता ना अपनी फिकर, शादी तोड़ दो। माची मतलब निशु और कबीर अगर निभा नहीं पाए तो वो लोग भी अलग। लिच्छमी लिच्छमी, अरे माँ होने की बीमारी हो गई है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं भी थारी माँ हूँ, फिकर होती है, इनको चिंता छोड़ दे, इसकी नौबत ही ना आएगी बेटा। कबीर बहुत अच्छा लड़का है और आई भी तो हम किस खातर बैठे हैं? इन बच्चों ने समझाने के अलावा और कोई काम बाकी है जिंदगी में? अब सारी परेशानी छोड़, चल क्या रहा। अरे तू चिंता करती रहती, कबीर पर इतना भरोसा? वाह, हाँ घर वालों की आंखों पर उसके प्यार का पर्दा जो पड़ा हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा और जो भी करना है बहुत ही जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ कबीर। अभी जाके दादाजी को दिखाता हूँ, मजा आएगा, ऐसा धमाका होगा कि सबकी नींद उड़ जाएगी। दादाजी तो सो गए होंगे, कोई बात नहीं, कल सुबह की चाय के साथ दिखाऊंगा। कबीर तेरा चैप्टर तो ओवर। सुन निशा, जो भी हो
या कोई लंबा प्रोग्राम मत बनाना, मुझे किसी भी तरह डांस स्कूल पहुंचना है। कबीर, I know, relax. पर दादू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तोहफे देने के लिए। अरे मुझे क्या पता कबीर, तू इतना भड़कती क्यों मुझ पे? Sorry. अरे बेटा कबीर, कल तुम्हें काफी चोट लगी होगी ना, अब तबीयत कैसी? दादू थोड़ा बेटर है। बहुत अच्छी। देखो बेटा, मैंने आज तुम्हें यहाँ एक खास बात करने के लिए बुलाया है। अरे वाह, ये दोनों तो अपने आप यहाँ शहीद होने आ गए। मैंने सोचा था कि मैं इनका पर्दाफाश करूँ, थोड़ा तमाशा होएगा। ऐसा तमाशा तो अभी भी हो सकता है। ऐसा है कि बहुत कम समय में तुम इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गए हो। देखो, तुमने इस परिवार के सदस्यों के साथ जो अपनापन बनाया है वो महज तुम्हारा हुनर है। क्या हुआ, परेशान क्यों? नहीं दादू, थोड़ा इमोशनल हो गया था। अच्छा, बेटा के तुम हमारे गंगवाल ज्वेलर्स की मार्केटिंग और पब्लिसिटी का काम देख रहे हो, तो इस व्यापार को फैलाना और बढ़ाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। नहीं दादू, मैं ये सब, ये एक और खूबी है तुम्हारी बेटा, तुम अपनी तारीफ नहीं सुन। बेटा मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें बचपना है लेकिन तुम सही मानों में एक सच्चे और ईमानदार इंसान भी हो। तुमने शादी में शगुन के पैसे भी नहीं लिए और ये बात मुझे आज तक कचूटती है। अब अपने लिए ना सही लेकिन कम से कम मेरे लिए, अब ये एक और जिम्मेदारी अपने काबिल हाथों में ले लो बेटा। ये क्या है? ये बेटा गहने बनाने के कारखाने का प्रोजेक्ट है। कई दिनों से इसकी बात चल रही थी लेकिन बच्चे व्यस्त हैं और मैं तुम देख रहे हो बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था कि ये जिम्मेदारी किसको दूँ कि इतने में तुम आ गए, तो मैंने सोचा है कि अब से इस कारखाने का पूरा जिम्मा तुम्हारा। ये सब क्या हो रहा है कबीर? एक तरफ कबीर को बुरा दामाद बनने में मदद कर रही हूँ और एक तरफ खुश हो रही हूँ कि दादाजी उसे इस बड़े काम की जिम्मेदारी के काबिल समझ रहे हैं। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दादाजी, मैं ये सब, देखो बेटा, ये मार्केटिंग की जिम्मेदारी का हिस्सा है, कोई नया काम नहीं है। नहीं दादाजी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। और फिर तुम्हारी मदद करने के लिए निशा तो ही क्यों? जी दादाजी। तो देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हें कारखाना बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। ये कारखाना तुम्हारी देख रहे वो काम करेगा और ताकि तुम अपना काम बखूबी कर सको, बिना किसी झिझक के कर सको, हम तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी भी दे रहे हैं। बैठे बैठे मेरा मुंह ही देखते रहोगे या आशीर्वाद भी लोगे नए काम का? जीते रहो, खुश रहो, सफल रहो। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर में कान में मिलते हैं। अच्छा। कब
कबीर, ये प्रोजेक्ट दादाजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जानता हूँ हम कोई भी चार्ज नहीं ले सकते। जानता हूँ नशा, और बुरा दामाद बनने के लिए भी। तू घबरा मत, बुरा दामाद बनने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। चल मुझे डांस स्कूल वालों के ऑफिस में जाना है, बाय। कबीर सुन ना, देख तू टेंशन मत ले कबीर, अरे वाह, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत धमाकेदार हथियार बन सकता है। बन सकता है। अभी 5 मिनट के अंदर दादाजी के पास जाऊंगा और निशा कबीर की शादी का यह कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख दूंगा। अभी तो अपने छोटे दामाद की खातिरदारी करने में लग रहे होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम पागल हो गए हो। इस बात का पता उन्हें अभी चल गया ना, तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। ये डायरी वो हथियार है जो सही वक्त पर सही निशाने पे लगना चाहिए, समझे? क्या बात कर रही है चाची, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, बेइज्जती पे बेइज्जती हो जा रही है मेरी यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दादाजी ने पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कबीर को दे दिया और मुझे क्या मिला? ठेंगा। ऐसा क्या कर दिया उस कबीर ने? हाँ, बात तो तुम्हारी सही, कबीर जितना भोला दिखता है ना उतना भोला है नहीं, और ये डायरी उस बात का सबूत है। अभी अगर ये बात सबके सामने आ गई ना, तो सिर्फ लक्ष्मी और रमेश ही नहीं, बाबूजी भी पूरी कोशिश करेंगे कि कबीर कहीं नहीं जाए। पूरा घर लग जाएगा कबीर को रोकने के लिए। और वो लोग क्यों नहीं रोके? कौन चाहेगा कि शादी के 3 महीने के बाद ही उनका दामाद उनके बेटे को छोड़कर चला जाए? और इस वक्त कबीर को सब सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, और इस पूरी बात से कबीर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, फिर तुम्हें क्या मिलेगा सबूत? इसलिए मैं कहती हूँ हमें अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी समेत। हम कबीर का पर्दाफाश करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन तब जब वो कुछ कर ही नहीं पाए। चाची, हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये जो कबीर सबके सामने आदर्श दामाद बनकर बैठा है ना, असली औकात में आ जाए। बेइज्जती करके तो मैं इसको यहां से निकालूंगा। और इसी में तो आपकी और मोहन चाचू की भलाई है, कीर्ति और ज्वाला का फ्यूचर भी तो सुरक्षित करना चाहती है ना आप? हाँ, नहीं तो बाबूजी सब कुछ कबीर को दान में कर देंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कबीर फिर कभी भी मुड़कर देखने की हिम्मत ही ना करे। दीजिए। टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे ना, कुछ और सोचेंगे। निशा, कैसे टेंशन ना लूं मैं जो भी सोचता उल्टा होता जाता है। मैं यहाँ आता हूँ बुरा दामाद बनने के लिए, कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं अच्छा बनता चाहता हूँ। मैं निशा, हम बहुत बुरा फंस चुके हैं, बहुत बुरा यार। निशा हद होती है यार, ये दादू को क्या शौक चढ़ा है आजकल, जब देखो कोई ना कोई जिम्मेदारी देते हैं, मुझे ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, तब क्या मैं जिम्मेदारी उसे यार। अच्छा बोला घर में सो रहा था, या कि मुझे काम पकड़ा दिया। निशा मेरा तो मन करे कि मैं आना ही बंद कर दूं, रियली। निशा, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और आगे से तो कोई काम नहीं लूंगा मैं। कबीर बेटा, अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है तो अच्छा होगा कि तुम खुद जाके बाबूजी से कह दो, इस तरह उनके पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं, वो तुम्हें शोभा नहीं देगा। वो हमारे बड़े हैं और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो,
बाकी तुम दोनों खुद समझदार। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।